एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे एक रिजर्वेशन पड़ गया है जो बिल्डिंग अभी है उधर, तो ऐसी सब चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बालाजी नगर दिखाया नहीं, भाईंदर पुलिस स्टेशन के सामने बेकरी गली नहीं दिखाया है, ठाकुर मार्ग है वो नहीं दिखाया, अभी वहाँ के नागरिक है उन्होंने जाने का कहा। मैंने बहुत सारे सूचन, बहुत सारे रिजर्वेशन मैंने भी सजेस्ट किए थे, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो एग्जीबिशन सेंटर हो, इस तरह के मैंने किए थे, लेकिन अब वो कहाँ डाले गए हैं वो भी मुझे अभी देखना है। मनपा के नए डीपी प्लान पर मचा बवाल, स्थानीय भूमिपुत्र की जगह पर डाला गया जबरन रिजर्वेशन, इस तरह का आरोप भी किया गया। साथ ही साथ मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन द्वारा दिए गए सजेशन पर किया गया दरकिनार। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। 20 साल बाद मीरा भाईंदर शहर का डीपी प्लान बनकर तैयार हो चुका है, वो भी 5 साल लेट हो चुका है। इस तरह का आप देख सकते हैं, जगह जगह मीरा भाईंदर महानगर पालिका के दूसरे मंजिल पर इस तरह के स्टिकर लगाए गए जिसमें डीपी प्लान पूरी तरह से दिख रहा है। अब यह भी कई लोगों का कहना है कि जो डीपी प्लान लगाया गया है वो डीपी प्लान में हमारी जगह हमें सही से नहीं दिख रही है और हमारी जो खेती है वो भी नहीं दिख रही है। और उनका यह भी आरोप है कि जो जगह वहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो जगह वहाँ पर दिख रही है डीपी प्लान में, इस तरह का आरोप है। इस संदर्भ में स्थानीय भूमिपुत्र और पूर्व नगर सेवक मिलन म्हात्रे सहित विधायिका गीता जैन ने हमसे बातचीत की, आइए जानते हैं। बिल्कुल सही आरोप है, क्योंकि जितना मैंने देखा है अभी तक पूरा डीपी मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जो पार्ट मैंने देखा है भाईंदर वेस्ट वगैरह का, तो वहाँ कुछ बिल्डिंगें ऑलरेडी 74, 70s या 80s में बनी हुई बिल्डिंगों पे अब रिजर्वेशन डाला गया है। एग्जिस्टिंग रोड नहीं दिखाए गए हैं, तालाब नहीं दिखाए गए हैं, ऐसे भूमिपुत्र जो यहाँ के हैं उनके ज़मीनों पे जो रिजर्वेशन डाला गया है उनसे उनमें भी काफ़ी असंतोष है और हम सब उन भूमिपुत्रों के साथ हैं। तो मेरे हरकत सूचना में ये ज़रूर आएगा कि कहाँ से हम ये डीपी के लिए हरकत डाल के इन भूमिपुत्रों को हम न्याय दिलाने की भूमिका में है और उनको ज़रूर न्याय मिलेगा। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि पूरा स्टडी करके जिन जिन भूमिपुत्र को इससे प्रॉब्लम हो रहा है, अफेक्ट हो रही है, उनकी ज़मीन पर कोई ऐसे आरक्षण डाले गए हैं तो उनको तुरंत ही न्याय कैसे मिलेगा, वैसे वो सूचना दे के उस डीपी में सुधार करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। देखिए, इस पे तो मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन डीपी प्लान में हुई गलतियाँ काफ़ी कुछ कह जाती है और ये गलतियों को बहुत जल्दी से सुधारने की ज़रूरत है। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे एक रिजर्वेशन पड़ गया है जो बिल्डिंग अभी है उधर, तो ऐसी सब चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस डीपी को पूरा का पूरा स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है इसे इतनी सूचनाएँ और हरकत आएगी। दूसरी एक बात है, अभी तक डीपी का जो भी हमें हरकत सूचना देनी है वो थाना देने जाना है, तो अभी मैंने कमिश्नर से कहा है कि यहाँ एक टेबल रखिए, उनके आदमी को चाहिए तो यहाँ बिठाइए और एक सीसी कमिश्नर को भी दिलवाइए ताकि उन्हें मालूम हो कि हमारे पास ये हरकत, ये सूचना आई है तो वो फुलफिल हुई है या नहीं, उसकी हियरिंग के बाद वो संतुष्ट हुए कि नहीं, वो भी कमिश्नर के भी लुक में रहे। इसलिए ये दो सूचनाएं मैंने अभी अभी दी है कि एक तो आप यहाँ एक टेबल लगवाइए, दूसरा एक सीसी कमिश्नर को भी दिलवाइए। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि पूरा डीपी जब मैं स्टडी करूँगी और ये एक्चुअली होता आया है कि बहुत सारे जहाँ शहर विकसित होते हैं वहाँ रिजर्वेशन में हेरफेर होते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरियात हमारे शहर की बढ़ जाती है। मैंने बहुत सारे सूचन, बहुत सारे रिजर्वेशन मैंने भी सजेस्ट किए थे, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो एग्जीबिशन सेंटर हो, इस तरह के मैंने किए थे, लेकिन अब वो कहाँ डाले गए हैं वो भी मुझे अभी देखना है। तो वो सब देखने के बाद मैं ज़रूर एक बार आपको पूर्ण डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो अभी देखा है मैं, एक तो पहली बार तो 3 से 4 साल डेवलपमेंट प्लान प्रदर्शित करने के लिए डिले हुआ है, एक सेकंड जो रोड एग्जिस्टिंग है जहाँ पे महापालिका ने प्लान पास किया हुआ है अभी के 2-3 साल पहले रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग है ये वो सब, वो रोड भी इस मैप के अंदर नहीं है, दिखाना चाहिए। 50-60 साल पहले गांव नकाशा करके एक आता था, उसके अंदर गांव के अंदर की तालाब, बावड़िया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उसके बाद जो कलवट रहते थे वो सब दिखाए जाते थे। सरकारी जो ऑफिसेस है, पुलिस स्टेशन है, तलाटी ऑफिस है, ये सब दिखाया जाता था, वो सब इसके अंदर है नहीं। अभी मैं आयुक्त साहब से मिल के आया, जिस बिल्डिंग में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ये बिल्डिंग भी इसके अंदर है नहीं, और जहाँ CR गेट नहीं था उधर भी दिखाया है। सेकंड,
भाईंदर और मीरा रोड का रेलवे स्टेशन ही नहीं दिखाई दे, जो गए प्लान में था, कम से कम जो गए प्लान में था वो तो कम से कम दिखाना चाहिए था। अभी रेलवे स्टेशन ही नहीं है, मीरा रोड का भी नहीं और भाईंदर का भी नहीं। अभी आपने पीछे जो सीट है उसमें रेलवे स्टेशन नहीं है भाईंदर का। टोटल ऑफिस में बैठ के बनाया प्लान है जो ऑफिसर लोगों ने वो बनाना चाहिए था। फिजिकली क्या है, अभी एकदम सिंपल आयुक्त साहब से हमने मिले, बोले कि गए 10 साल का तुम गूगल मैप निकालो, गूगल मैप के ऊपर वो शीट आप रखोगे तो पता चलता है किधर क्या है, रोड है, जैसे सुभाष चंद्र बोस मैदान है, वो गूगल मैप में दिखा रहे। जिधर बिल्डिंग प्लान पास किया है आपने, वो आज का लेटेस्ट इसमें आपको बिल्डिंग भी दिखती है। अभी जो बिल्डिंग के 3-3, 4-4 साल पहले इन्होंने प्लान पास किए, उसके 12-12 माले के टावर बन गए, वो 30 मीटर के वाइंडिंग के अंदर वो बिल्डिंग बताए लें। अब उधर के नागरिकों ने जाने का कैसा, क्योंकि एक बार ये प्लान फाइनल होने के बाद पूरा कामकाज उस प्लान के ऊपर ही होता है। जिधर 18 मीटर का रोड है उन्होंने 30 मीटर किया है, उसके अंदर लाइन से सब जूनी सब बिल्डिंग निकलने वाली है। तो नागरिकों से अपील है कि और ज़्यादा करके सोसाइटी के जो चेयरमैन ट्रेजरर सोसाइटी वगैरह जो भी है पदाधिकारी, मेरा अपील है उनका कि इसके अंदर कोई वाद न करते हुए आके पहले मैप अपनी सीट देखो, आपकी बिल्डिंग कहाँ है, रोड रिजर्वेशन में जा रही है क्या, और जाती होगी तो ये 1 महीने का हरकती का मुदत दिया। अभी भी हम आज हमने कमिश्नर साहब से मिले, गीता जैन MLA साहब मैडम भी साथ में थी, थाना में जो हरकत जाके देने की है ऑब्जेक्शन वो यहाँ पे लो, हियरिंग भी इधर ही होनी चाहिए। ऐसी कई बार हम लोगों ने इधर ही लोकल लेवल पे हियरिंग लगाई है, सब खेडूत है या कोई है वो थाना जाएगा आएगा उसका पूरा एक दिन खराब, उससे अच्छा आप इधर लगाओ, लोग आके मिलेंगे अपना अपना देंगे। और एक कॉपी हमने कमिश्नर साहब को बोला कि एक कॉपी आपके लिए रखो, यहाँ पे आज बोर्ड लगने वाला है कि भाई मैंने मैंने ऑब्जेक्शन दिया थाना में, वो कमिश्नर साहब को मालूम नहीं। अब मेरे ऑब्जेक्शन में क्या है, मेरा पर्सनल तो रहेगा पार्टी की तरफ से रहेगा, मगर मेरा जनरल भी रहेगा कि भाई इसके अंदर हॉस्पिटल आज के तारीख के है, इंदिरा गांधी रुग्णालय वो दिखाया नहीं है, टेम्बो हॉस्पिटल दिखाया नहीं है, पुलिस स्टेशन दिखाया नहीं है, महानगर पालिका के प्रभाग कार्यालय दिखाए नहीं है, ये सब जो है वो दिखाना चाहिए था। मंत्री जी कई नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए भी इस पे रिजोल्यूशन डाला, इस तरह का भी आरोप वो तो है ही है, मगर पब्लिक काम पहला ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि लोगों का नुकसान क्या है, फायर स्टेशन है वो होनी चाहिए, फ्यूचर में फायर स्टेशन कितना बनने वाला है और एग्जिस्टिंग कितना है और कहाँ पे है, ये महत्व का है, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, नई रिजर्वेशन तो होनी है, मगर आज की एडजस्टमेंट है वो भी तो बताना मांगता नहीं कि भाई ये है। हम तो यही बोलेंगे कि आके आप लोग सब अपना नक्शा देखो, जिधर आपकी बिल्डिंग है, जहाँ आपका आदिवास है, गांव है, वहाँ पे अपना, अभी देखो यहाँ पे मोदी पटेल रोड दिखाया नहीं है, मलाई काका वो रोड का नाम क्या है वो भी नहीं दिखाया है, बालाजी नगर दिखाया नहीं, भाईंदर पुलिस स्टेशन के सामने बेकरी गली नहीं दिखाया है, ठाकुर मार्ग है वो नहीं दिखाया है। अभी वहाँ के नागरिक है उन्होंने जाने का कहाँ, और ये 20 साल चलने वाला आराखड़ा, 20 साल में समझो कई बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में निकली तो उनके सामने रोड ही नहीं है, तो उन्होंने जाने का कहाँ। तो इसमें मेरी पूरी तरह से सबसे एक नम्र निवेदन है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह सब बाजू में रखो और फैक्ट्स क्या है, अपना नुकसान क्या होता है वो देख के अपनी हरकत। 1 महीने का समय दिया है, आज ही चर्चा की है, कमिश्नर साहब बोले महानगर पालिका के इधर आपकी हरकत ली जाएगी, तो यहाँ पे आके पहला मैप देखो आप कि वास्तव क्या है और उसके हिसाब से आप लोग आपका डिसीजन ले लो, ये मेरी रिक्वेस्ट है।